खेतों में इस तरह से घर बन रहे हैं और खेतों में अक्सर साफ होते हैं, उनको छुपने के लिए जगह कम होता है और घर के आस पड़ोस में कचरा, सामान, खाने की चीज़ें, उसके साथ चूहे आ जाते हैं और चूहे होल भी बनाते हैं और उनको खाने के लिए और रहने के लिए जगह मिलता है, इसलिए सांप आ सकते हैं। ये ऐसा एक सांप यहाँ पर इस होल में दिखाई दिया है, कोशिश करेंगे। तकरीबन 4 साल का ये नाग है, बहुत ही सुंदर सांप। सांप में सांप जो रहते हैं होल में मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर होल कहाँ तक गए बता नहीं सकते, इसलिए सही अनुमान नहीं लगा पाते। कभी कभी छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन कभी कभी छोड़ के जाने के बाद घंटों खोदने के बाद हम जाते हैं तो सांप दोबारा दिखाई देता है या बहुत सारे लोग उसको मार भी देते हैं। लेकिन आसानी के साथ ये मिला, लेकिन मैं आते हुए और एक फ़ोन था वो भी हम करके आना पड़ा। इस तरह से इस टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए फ़ोन करने वाले लोगों को ये सब बातें ध्यान में रखते हुए बिना डरे हुए सांप पकड़ने वाले को जो बुला रहते हैं तो उनको सब जानकारी देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। बहुत ही सुंदर सांप आसानी से मिला और लोगों को तसल्ली हुई, लेकिन आगे भी आ सकते हैं आपके कॉलोनी मोहल्ले में। आप कहाँ पर भी रहते तो संभल के रहिएगा और ठंड की जगह पर, खासकर बाथरूम है, किचन है, कंस्ट्रक्शन की जगह है, गार्डन है, तो आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। गलती से सांप काटना, इसको हम टालना चाहते हैं, कुछ भी होने के लिए हो सकता है, लेकिन आप अपनी गलतियों को सुधारें, साफ़ सफाई रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। एक टॉर्च आपकी जान बचा सकती है, तो कहाँ पर भी हाथ पांव डाल रहे हैं आपको इतना ध्यान रखना है ज़िंदगी भर कि वहाँ पर सांप है क्या, ये बात आपको ज़िंदगी भर बचा सकती है, सुरक्षा दे सकती है सांपों को, सांपों के खिलाफ। और तो ये जानकारी पहुंचाना ही हमारा मकसद है, तो आप संभल कर रहिए, सुरक्षित रहेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुँचे। सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर जारी रहेगा। या आप भी फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। कल पड़ा बहुत ही सुंदर और जंगल भी इतना ही सुंदर है।